भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी में भी सेंध लगा दी है। अरुण गोयल और घोगा भाजपा में शामिल हो गए हैं। घोगा और आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों ने आज भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया। ये वार्ड नंबर 17 से हैं और वार्ड नंबर 17 से मेयर रविकांत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। रविकांत शर्मा की हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन इसके बाद उम्मीद करते हैं कि शायद उनकी हालत थोड़ी अच्छी हो जाएगी। पार्टी कार्यालय कमलम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल किया। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन, पार्टी के प्रवक्ता कैलाश जैन और पूर्व मेयर पूनम शर्मा सहित कई नेता मौजूद थे। इस अवसर पर रविकांत शर्मा भी वहाँ मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील श्रृंगारी, कार्यकारिणी के सदस्य राखी शर्मा, प्रदेश महासचिव भूषण कपूर, आदर्श गोयल, विजय पुरी, चरणजीत कुमार, मोहनलाल सरोजनी और विनोद शर्मा को भाजपा में शामिल करने के बाद अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में भ्रम फैलाकर झूठ की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को 1,10,000 वोट मिले, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी गायब हो गई और 2019 में आलम यह रहा कि पार्टी सिर्फ 10,000 वोटों पर ही सिमट कर रह गई। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम करार देते हुए अरुण सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस और अन्य दलों से निकाले हुए भगोड़ों की शरण स्थली बन गई है। वो डालता रहूंगा। अरुण गोयल जी हैं, जिन बड़े प्यार से हम जिनको गोगा जी कहते हैं, इनकी तो हम घर वापसी करा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं। सुनील श्रृंगारी जी हैं, ये भी आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या नाम? सुनील श्रृंगारी। सुनील श्रृंगारी जी। राखी शर्मा जी, ये भी आम आदमी पार्टी में हैं, इनकी भी हम घर वापसी करा रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रही हैं। गुलशन कपूर जी, ये आम आदमी पार्टी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये भी अपने घर वापस आ रहे हैं। आदर्श गोयल जी, विजय पुरी जी, चरणजीव कुमार, नन्ना जी, मोहनलाल जी, सरोजनी जी, सुमन शर्मा जी और विनोद कुमार जी, ऐसे जो सारे लोग जो हैं आम आदमी पार्टी से आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, इन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी भ्रम फैला के झूठ की राजनीति करती है और लोगों को बहकाने का काम करती है, वो लोगों के सामने वो स्पष्ट हो रहा है और धीरे धीरे लोगों का मोह जो है वो आम आदमी पार्टी से भंग हो रहा है। क्योंकि झूठे वादे करना, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पंजाब में हो या किसी और स्टेट में हो, और अब चंडीगढ़ में भी उन्होंने, उनको याद आई है 2014 में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में उनको एक नरेंद्र मोदी जी, उनकी कार्यशैली से जिस प्रकार से वो देश का विकास कर रहे हैं और देश को पूरी दुनिया में उन्होंने एक, मैं कहूंगा कि आज विश्व गुरु के रूप में, पूरे विश्व के लीडर के रूप में जो स्थापित किया है, तो पूरे देश में और दुनिया में भी वो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और देश में भी वो सारे लोगों के हृदय सम्राट हैं, आम जन के। तो उनकी नीतियों को, उनके काम को, उनकी कार्यशैली को देखते हुए बहुत से लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ा रहे हैं। कल भी काफी लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने ज्वाइन किया था, आज 22 सेक्टर में आम आदमी पार्टी के जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो एक बार नाम पढ़ दूंगा, वो आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनके भारतीय जनता पार्टी में आने के कारण से भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी और ऊर्जा के साथ जो है वो चंडीगढ़ की सेवा कर पाएगी। मैं उन सबका स्वागत। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी।